start, type power PNG and click OK. PowerPoint में प्रेजेंटेशन क्रिएट किया था एंड पावर पॉइंट स्लाइड बनाया था। स्लाइड मतलब जैसे अपन को देखा हुआ कि बेन इसका ब्राउज़र वगैरह, उसका एक पेज, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, हर एक पेज पे कोई डिटेल्स होती हैं। जैसे फर्स्ट पेज पे उसके कंपनी के बारे में, उसका एड्रेस, कंपनी का नाम, सेकंड पेज पे कंपनी में क्या वर्क होता है उसकी डिटेल्स, थर्ड पेज पे उसको जुड़ने के बेनिफिट और ये सब, लास्ट पेज पे फीस वगैरह का डिसीजन, कितने पैसे जमा करने होते हैं, ये सब चीज़ें। इस तरह का एक चार पाँच पेज का एक ब्राउज़र बन जाता है, स्लाइड बन जाती है। यहाँ पर 10 से 12 स्लाइड, किसी स्कूल के बारे में बनाएंगे तो स्कूल का नाम, स्कूल के कोर्सेज, जैसा ही बनाना चाहिए। उससे भी ज़्यादा जितने भी होगी, मतलब प्रेजेंटेशन देने का होगा, उसके ऊपर अपन डिपेंड करते हैं। जैसे ही मान लो अपन बनाना है साई कंप्यूटर, फिर यहाँ लिख देंगे साई कंप्यूटर, साई कंप्यूटर्स, यहाँ पर उसके पंच लाइन या टैग लाइन, साई कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एजुकेशन सेंटर, इसको ड्रैग करके ऊपर रख देना और इसको भी इसके ऊपर, इसका साइज यहाँ से कम जा रहा है, वर्ड पेड में क्या जा रहा है, सेलेक्ट साइज छोटा कर देना, ऐसे कि यहाँ से 20 से इसे कर लेना कम, 18 यहाँ से कर लेना। कीबोर्ड से करेंगे कंट्रोल शिफ्ट लेस देन और ग्रेटर देन। इसमें दो बॉक्स थे, दोनों लिख लिए, नीचे कुछ लिखना है तो लिखा नहीं होगा, इसके लिए टेस्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा। और टेस्ट बॉक्स बनेगा यहाँ से, टेस्ट बॉक्स पे क्लिक किया और बॉक्स बना लिया। बॉक्स बन जाएगा लेकिन दिखेगा नहीं, इसमें केवल टाइप करना है एड्रेस, जो भी लिखना हो एड्रेस, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, और यहाँ पे वेबसाइट, तो सिलेक्ट कर कर सेंटर पे बन गया फर्स्ट पेज। इसमें पिक्चर डाल देंगे, यहाँ पे क्लिक करना क्लिप आर्ट और यहाँ से कोई पिक्चर जो देंगे कंप्यूटर पर क्लिक, यहाँ पे स्लाइड शो सेकंड, तो बन गई फर्स्ट स्लाइड। इंसर्ट पे आना, क्लिक करना न्यू स्लाइड, अगली स्लाइड में कोर्सेज के बारे में बता देंगे, साइकिल का क्या कोर्सेज करा होता है, जो भी कोर्सेस हैं वो सी सी डी सी डी सी पी जी डी सी एस एस सी डेली सी सी प्लस प्लस जावा, जितने भी यहाँ पे चाहें तो हम उनकी फ़ीस और उनकी डेट डाल सकते हैं जितनी ले लो। फिर इंसर्ट पे अगली स्लाइड न्यू स्लाइड, यहाँ पे कोर्सेज की डिटेल में सी सी में क्या क्या आता है वो डाल देंगे, सी सी में आता है फंडामेंटल, फिर एंटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बाद एमएस ऑफिस, पेज मेकर, मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया मोबाइल फिर ऐसे ही अगला इंसर्ट पे न्यू स्लाइड, अगले डी सी में क्या क्या आता है वो लिख देंगे, तो डी सी में वही सब ऐसे, फिर इंसर्ट में न्यू स्लाइड, अगला एस सी सी में क्या क्या आएगा वो लिख देंगे। ऐसे स्लाइड्स बनते चले जाएंगे, फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे और इसमें स्लाइड डिजाइन डाल देंगे, स्लाइड डिजाइन जो भी डिजाइन ठीक लगे सब पे हो जाएगी, डिजाइन सब किसी एक पे अलग करना है तो इस पर क्लिक करेंगे एरो पे और यहाँ पे अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, इसी पे आएंगे अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, जैसे इसमें अलग करना है तो क्लिक अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, इसको चला देंगे F5 से प्रीव्यू। फर्स्ट स्लाइड क्लिक, सेकंड स्लाइड जो बोलना है इसके बारे में समझाना है वो समझा देंगे सामने वाले को, इससे अपन भूलेंगे नहीं और सामने वाला जल्दी समझ जाएगा। सी सी में ये सब आएगा, डी सी में ये सब आएगा, एस सी सी में ये सब,
एंड ऑफ स्लाइड ऑटोमेटिक चलाना था, स्लाइड शो पे स्लाइड ट्रांजिशंस ऑन माउस क्लिक से ऑटोमेटिकली, और सेकंड ऑटोमेटिकली कितने सेकंड, 0 सेकंड अप्लाई टू ऑल स्लाइड, स्लाइड शो ऑटोमेटिक आएगा। अब वो स्पीड इतनी फास्ट है क्योंकि एनिमेशन नहीं है उस पर, तुरंत आ गया। सेकंड सेट कर देंगे 5 सेकंड अप्लाई टू ऑल स्लाइड, तो 5 सेकंड इस तरह से आ गया, 5 सेकंड है बस। नहीं ऐसे एक एक लाइन पे अलग अलग डाल देना अपन डिजाइन, इस पर सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट को, स्लाइड शो पे कस्टम एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन में एड इफेक्ट्स एंट्रेंस और मोर इफेक्ट्स, और जो इफेक्ट ठीक लगे यहाँ से डालना। ओके सेकंड पे डालना है, सेकंड को सिलेक्ट करेंगे पूरा, एड इफेक्ट्स एंट्रेंस मोर इफेक्ट्स जो भी लेना है डाल देंगे। ओके थर्ड इस पर डालना है, सिलेक्ट करेंगे इस पूरे को, एड इफेक्ट्स एंट्रेंस और मोर इफेक्ट्स, ये सारे एंट्री के इफेक्ट्स हैं, पेज में डॉक्यूमेंट्स पे कुछ ना कुछ आएगा एंटर करेगा। पिक्चर्स पे डालना है तो एड, अगर एग्जिट में जाएंगे तो पेज से बाहर चला जाएगा इफेक्ट के साथ, और एंट्रेंस में वो आने वाले हैं ये पेज से बाहर चला गया। अगर कोई चीज़ को पेज से हटाना हो तो एग्जिट वाले इफेक्ट, लाना हो तो एंट्रेंस, अभी लाना है तो एंट्रेंस वाले। ओके और एक ऐसे थर्ड सेकंड पे क्लिक करेंगे, कोर्सेज में क्लिक किया, स्लाइड शो पे कस्टम एनिमेशन विंडो आ जाएगी, एड इफेक्ट्स एंट्रेंस और मोर। एमएसएस में करेंगे तो फॉन्ट का साइज चेंज होगा, कलर चेंज होगा, वहीं रहेगा उसी में थोड़ा इफेक्ट हो जाएगा। एंट्रेंस में वहाँ नहीं होगा, आएगा पेज में, एग्जिट में वहाँ नहीं होगा, पेज चला जाएगा, मोशन पाथ में उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ बताएंगे। जैसे यहाँ पे अपन ड्रॉ भी कर सकते हैं कर्व लाइन, जैसे कर्व पे क्लिक किया तो इसको मैं चाहता हूँ यहाँ जाए पहले, फिर यहाँ आए और फिर वापस यहाँ आ जाए और एंटर, तो इसका डायरेक्शन ही सेव हो जाएगा। ऐसे इसमें करना है तो एड इफेक्ट्स एंट्रेंस मोर इफेक्ट्स, इस तरह सब में डाल दें, चलाना तो वही F5 या स्लाइड शो में व्यू शो, ये ऑटोमेटिक आएगा। साइन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेंटर एड्रेस बेचरा, कोर्सेज जो भी कोर्सेज हैं वो आ जाएंगे, CCA, ADC, DCA, PDCA, SCCA, टेली ऑटोमेटिक आ रहा है, फंडामेंटल इसमें नहीं डाला हमने, डायरेक्ट आ गया आफ्टर 5 सेकंड। एंटर इसको सेव कर लेंगे कंट्रोल एस से, प्रेजेंटेशन सेव हो जाएगी, पूरी प्रेजेंटेशन को एक बार में देख सकते हैं तो पूरा एक साथ ही आ गया। इसके अलावा कुछ साउंड